स्पिनिश गार्लिक फेटा चीज पिज्जा. दिस इज सिडू. ओह माय गॉड, यू कैन सी सम लेमन्स एंड सम लीव्स ओवर हियर. लाइक हम भी बोलेंगे जो ले एंड नॉट एनीथिंग एल्स. एमएम ट्रिप प्लान करा करेंगे हमारे कैफे के थ्रू. भैया जितना बता पाओ सब बता दूंगी. इन दोनों को भी मिलवा दूंगा. हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल. कैसा है सबका हाल चाल? तो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल सॉल्टी शेचा और मैं हूँ शेचा. कैसे आप सभी? तो आज हम आए हैं पहली बार द ले थीम कैफे इन अलीगढ़, तो जिसका नाम है जुले कैफे. चलिए अंदर चलते हैं और विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का एम्बियंस एक्चुअली पूरा ले है या कैसा है. तो हम आए यहाँ पे कैफे और कैफे में हमको बहुत सारा खाना सर्व कर दिया गया. तो सबसे पहले हम चलते हैं पिज्जा की तरफ. पिज्जा में हमको सर्व किया गया गार्लिक फेटा चीज पिज्जा. स्पेशली सी दिस लुकिंग सो इजंट सो डिलीशियस. या आई रियली लव दिस. दिस क्रीमी पेस्टो पास्ता विद सम बेसिल लीव्स ऑन इट, सम गार्निशिंग ऑफ बेसिल लीव्स बेसिकली. और हियर वी हैव सम मोमोज, ऑल्दो द वेज मोमोज, द वेज वेजीज मोमोज एंड सम पनीर मोमोज. And this is the special dish. This is Sidhu. Oh my God, I'm gonna taste this and will tell you definitely what will this going on my mind. This smells so good actually. So we will continue with the pizza firstly and let's see how it's going on basically. Let's see how this turn out actually. The base is actually so thin. I really love this. Spinach और garlic का अलग से taste बहुत ज़्यादा dense हो रहा है. आपको first bite में ही पता चलेगा. साथ में जो feta चीज़ है उसका taste तो like looks so delicious basically. Pizza तो ऐसा है कि बस खाते रहो खाते रहो. Pizza crunch. This is also so so good. तो सेकेंडली अब हम टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे हम पेस्टो एक्चुअली टेस्ट करते हैं और देखते हैं. स्मेल तो बिल्कुल बेसिल लीव्स की आ रही है. लेट्स सी कि टेस्ट कैसा है इसका एक्चुअली. सो क्रीमी, जो सीरियसली सो क्रीमी. और जो टेस्ट है वो बहुत बहुत डिलीशियस है. बहुत ही शॉर्ट 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 लाइव लेके आ रहा है. बहुत धीमे धीमे आ रहा है पर बहुत अच्छा आ रहा है बिल्कुल. ये बेसिल लीव की इसमें सॉस डाली गई है बना के स्पेशली. टेस्ट सच में बहुत अच्छा है इसका. द क्रीम द क्रीमी टेक्सचर इज सो गुड. तो सबसे पहले यहाँ मैं टेस्ट करने वाली हूँ पनीर मोमो. द चटनी इज सो स्पाइसी दैट आई सीरियसली मिस एवरीवन बेसिकली. See, the filling is so delicious. अब हम ट्राई करते हैं नॉर्मल वेजी मोमो. सो यम. तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं यहाँ की स्पेशलिटी सिड्डू और देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसा टर्न आउट होता है. इसकी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है कि इसकी जो फिलिंग है वो पूरी अंदर बॉनलेट की है मिक्सेस ऑफ स्पाइसेस. और साथ में जो आप इसकी चटनी देख रहे हैं इतनी ज़्यादा क्रीमी और बेस वाली, ये भी बॉनलेट की है. और इसको खाया जाता है बॉनलेट की चटनी और देसी घी के साथ. अब लेट्स सी कि कैसा टेस्ट में लगता है. मेरे को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं वैसे इससे. टेस्ट सच में बहुत अलग है और काफ़ी अच्छा है. जो चटनी जो इसका टेस्ट एनहेंस कर रही है ना, चटनी के बना आई डोंट थिंक अच्छा लगने वाला है. और चटनी की वजह से इतना ज़्यादा इसका टेस्ट इनहेंस हो रहा है. पता है वॉलेट के अंदर फिलिंग और वॉलेट की आप चटनी खा रहे हो फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है. टेस्ट सच में इसका अच्छा है. द टेस्ट इज सीरियसली सो गुड. मेरे को तो उसकी चटनी इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना. सो गुड. तो अब बारी आती है इनकी स्पेशल ड्रिंक की विच इज़ ब्लू करैगो मुजी. तो लेट्स सी कि कैसा टेस्ट में है. यू कैन सी सम लेमन्स एंड सम लीव्स ओवर हियर. लेट्स सी. सो टेस्टी.
मैंने इतना टेस्टी खाना तो खा लिया, अब हम मिलते हैं फाइनली ले वाले भैया से। इनको सब ले भैया के नाम से जानते हैं, तो चलिए आइए मैं आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है और मैं ले वाले भैया नहीं हूँ। ये हमारा जूले कैफे है जो कि ले के कंसेप्ट है। इसमें हम क्या, अगर कभी भी लद्दाख जाते हैं, ले जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग नमस्ते नहीं करते, वहाँ पे जूले बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने जूले का मतलब लाइक बेसिकली ग्रीटिंग। ग्रीटिंग, ओके। तो अब हम कहीं भी जाएंगे तो हम भी बोलेंगे जूले। अब हम नमस्ते और राधे राधे की जगह बोला करेंगे जूले। तो भैया आपने कैसे प्लान किया और लाइक कि आपको स्पेशली ले की थीम पे ही खोलना है अपना कैफे, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? एक्चुअली क्या है, हम हर साल 2-3 बार हम घूमने के लिए जाते हैं पहाड़ों पे, जैसे कि कभी उत्तराखंड चले गए, हिमाचल चले गए। बिल्कुल, अभी आगे आने वाले टाइम में हम ट्रिप प्लान करा करेंगे हमारे कैफे के थ्रू। तो हम अलीगढ़ के लोगों को इसलिए हमने थोड़ा वो बताने के लिए किया है कि है ना, घूमना बहुत जरूरी है लाइफ में। जगह देखिए, जो जगह हम घूमे उन जगहों को देखिए, यहाँ पे आके थोड़ा फील लीजिए। तो हम भैया से जानते हैं एक्चुअली, सारी पिक्चर्स आप जो मेरी साइड वाली वॉल पे देख रहे हैं, यहाँ सारे सारे भैया के फोन की खुद की कैप्चर्ड रियल इमेजेस है और भैया इन सारी जगह खुद घूम चुके हैं। और हम भैया के भैया से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेसिकली। हाँ, तो ये जगह जो हमारी, हम लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल की काफ़ी जगह हैं, मंडी में पराशर लेक हो गई आपकी, तो इन जगह हम घूम के आ चुके हैं कई बार। ये काफ़ी सुंदर जगह हैं, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि घूमने के लिए बहुत जगह हैं पहाड़ों पे, तो एक बार आके यहाँ पे आके पता करिए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको घूमने के लिए जगह। और भैया ने वहाँ से लाइक एक एक डिश भैया ने वहाँ की निकाली है, शायद मैं ऐसा ही सही कह रही हूँ। हाँ, आपका जो सिड्डू था ये आपका हिमाचल का था, आपका जो तिब्बत का डिश है, आपका थुप्पा, वो भी हमारे यहाँ मिलता है जी। तो काफी जगह की डिशेज है पहाड़ों की, भैया ने सारी मिक्स कर दी। और भैया फाइनली सारी चीजें आपके लिए आपके अलीगढ़ शहर UP-81 में ले आए, आप प्लीज यहाँ पर आइए, विजिट करिए। भैया आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं? हमारे टाइमिंग्स आफ्टरनून में 1 o'clock से लेके रात को 11 o'clock तक रहता है। ओके भैया, आप स्विगी जोमेटो पे भी अवेलेबल है? दोनों पे जूले कैफे नाम से अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात इस कैफे की ये बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली कैफे, ऐसा नहीं कि आपकी पॉकेट बोल जाएगी बाय बाय, आप यहाँ बैठ के भी इन सारी जगहों का फील ले सकते हैं। और अब तो बहुत अच्छी बात ये भी कि भैया प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से भी भैया ट्रिप्स लेके जाया करें। भैया क्या लगता है आपको, कब तक आप ये सब चीज प्लान कर लेंगे? ये हम अगले 1-2 महीने में ट्रिप्स प्लान करना चालू कर देंगे। तो क्या हम आपके पहले कस्टमर या पहले विजिटर हैं? नहीं, तो अगले हम यहाँ पे ही कैफे में पोस्टर लगा दिया करेंगे कि अगली हमारी ट्रिप इस डेट पे जाने वाली है, उसके लिए रजिस्टर करने के लिए हमारा नाम लिख लीजिए जहाँ भी ट्रिप आपकी जा रही होगी, कि मैं और मेरा भाई तो पक्का जाने वाले हैं। अब क्योंकि हम लोग पता नहीं कब से प्लान कर रहे हैं जाने का और जा ही नहीं पाए, बस हम अलीगढ़ ही घूम लेते हैं। और हमको जैसे ही पता चला कि एक लद्दाख थीम का कैफे खुला है, हम तो यहाँ भाग कर आ गए। भैया से जरूर मिलेगा आप लोग को, जरूर आइएगा भैया के कैफे। मैं बहुत तेज बोलते हूँ, आवाज आती है भैया, इरिटेट हो रहे हो? नहीं नहीं, कदू बोल रहा हूँ, बीच में तो गुआ दिया उन्होंने कहा से।